नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सोनारी की ज्योति अग्रवाल हत्याकांड मामले में पति ही निकला मास्टरमाइंड, तीन शूटर को दी थी हत्या की सुपारी। सरायकेला जिला पुलिस ने कुचाई थाना क्षेत्र से 15 लाख रुपए मूल्य के अफीम के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सरायकेला थाना स्थित एनएच पर शौच के दौरान टेलर ने मारा धक्का, एमजीएम में इलाज के दौरान हुई व्यक्ति की मौत। और बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी हत्या, मामले में दो गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। 29 मार्च की रात करीब 10 बजे टाटा रांची नेशनल हाईवे पर आसन बनी और कांदरबेड़ा के बीच जमशेदपुर निवासी ज्योति अग्रवाल की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस सफल हो गई। ज्योति अग्रवाल की हत्या के पीछे उसका कारोबारी पति रवि अग्रवाल का हाथ था। मास्टरमाइंड रवि अग्रवाल ने नाटकीय ढंग से अपनी पत्नी की हत्या करवाई थी। इसके लिए रवि अग्रवाल ने तीन शूटर को सुपारी दी थी। आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। वहीं आरोपी रवि अग्रवाल के साथ साथ शूटर पंकज कुमार सहानी, रोहित कुमार दुबे व मुकेश मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तीनों शूटर बाबूडी लाल भट्टा नियर हनुमान मंदिर थाना सिद्ध गोड़ा पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को चांडल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा एवं वेब इंटरनेशनल होटल के बीच NH-33 के किनारे जमशेदपुर के कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की अपराधियों ने उस वक्त हत्या कर दी थी जब साजिश के तहत रवि अग्रवाल अपने दोनों बच्चों एवं पत्नी के साथ पंजाब होटल में खाना खाकर वापस लौट रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए तीन अन्य अपराध कर्मियों में पंकज कुमार सहानी, रोहित कुमार दुबे और मुकेश मिश्रा हैं। पुलिस ने इसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, रवि अग्रवाल के पास से दो एंड्रॉयड स्मार्टफोन, रोहित कुमार दुबे के पास से एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मुकेश मिश्रा के पास से एक स्विफ्ट कार और दो एंड्रॉयड स्मार्टफोन और पंकज सहानी के पास से एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SP मनीष टोपो ने बताया कि मृतिका ज्योति अग्रवाल के पिता प्रेमचंद अग्रवाल ने लिखित आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने अपने दामाद यानी मृतिका के पति रवि अग्रवाल के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। इसके बाद चांडिल SDPO के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान के क्रम में पाया कि मृतिका के पति के साथ शादी के बाद से ही झगड़ा चल रहा था। आए दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था जिससे वह अपने पत्नी को सहन नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद रवि अग्रवाल ने 16 लाख रुपए में मुकेश मिश्रा तथा उनके चार अन्य साथी को सुपारी देकर अपनी पत्नी को जान से मारने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार पूर्व में दो बार विफल हो गया, मगर 29 मार्च को निर्धारित योजना के अनुसार रवि अग्रवाल ने अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बालीगुमा स्थित मिनी पंजाब होटल में खाना खाकर चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा एवं वेब इंटरनेशनल होटल के बीच NH-33 के किनारे उल्टी करने के बहाने अपनी कार खड़ा कर दी। इसके बाद तुरंत मुकेश मिश्रा तीन अन्य साथी के साथ स्थल पर पहुंचे और ज्योति अग्रवाल को सुनियोजित तरीके से कनपट्टी पर बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि अपराधियों को 3 लाख रुपए दिए थे, बाकी पैसे काम होने के बाद देने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी 4 लाख रुपए में सौदा हुआ था। गैंगटॉक ले जाकर हत्या करने का भी प्रयास किया गया मगर वहां भी सफल नहीं हुए। हमारी पुलिस की टीम जो है वो मानवीय सूचनाओं के आधार पर एवं तकनीकी सूचना के आधार पर हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसके द्वारा बताया गया कि रवि अग्रवाल के द्वारा ही पैसे दे करके अपनी पत्नी को मरवाया गया है। यही पता चला कि 2-2.5 साल में इनका संबंध इतना खराब हो गया था कि पिछले 6 महीना पहले भी इसने 9 लाख रुपए दे करके अपनी पत्नी को मरवाने के लिए सुपारी दिया था, जिसमें बात हुई थी कि जो जिस अपराधकर्मी को इसने सुपारी दिया था वो उसको 4.5 लाख रुपए इसने दिया भी था, लेकिन उस समय गला रेत करके मारने की बात हुई थी और जिस दिन इनको करना था ये हत्या करना था उस दिन अपराधकर्मी नहीं आ पाया, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा गैंगटॉक भी जब ये लोग घूमने गए थे तो वहाँ भी इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था और झगड़ा कर के क्रम में भी इसके द्वारा अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया था मगर वहाँ भी वो सफल नहीं हुआ था। तीसरी बार फरवरी माह से ही इसने अपना एक पुराना जो उसका ड्राइवर हुआ करता था मुकेश मिश्रा, उसके साथ मिलकर ये योजना बनाई और ये इसमें कुल 16 लाख रुपए में
ये बात तय हुआ था, जिसमें से 3 लाख रुपया उसके द्वारा ऑलरेडी दिया जा चुका था। अभी उस पूछताछ के क्रम में उससे पता चली कि पिछले बार भी 6 महीना पहले भी वो 9 लाख में बात हुई थी और 4.5 लाख रुपया उसके द्वारा दिया गया था, तो उन अपराध कर्मियों की भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। वहीं बिरसा नगर के रहने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 20 लाख रुपए के लेन देन में हुई हत्या। इस मामले में 22 मार्च को बिरसा नगर थाने में अपहरण का केस दर्ज हुआ था। एसएसपी ने रविवार को एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में प्रशांत सिन्हा की हजारीबाग के लोह सिन्हा थाना क्षेत्र के न्यू एरिया निर्मल स्कूल गली के पास रहने वाली महिला मित्र काजल सुमन और उसके दोस्त रौनक को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने हजारीबाग से आकर बिरसा नगर से प्रशांत सिन्हा को हजारीबाग ले जाकर वहां हत्या कर दी। हत्या की घटना रौनक के खटाल पर की गई थी। हत्या के बाद शव बोरी में भरकर खेड़वा डैम के पास फेंक दिया गया। एसएसपी ने बताया कि प्रशांत सिन्हा और काजल सुमन की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। प्रशांत सिन्हा ने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे और काजल सुमन को दिए थे। काजल सुमन ने भी सीधे लोगों से पैसे लिए थे। प्रशांत सिन्हा यह पैसे मांगने लगे थे, इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद इन दोनों ने प्रशांत सिन्हा की हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त स्कूटी और प्रशांत सिन्हा की कलाई घड़ी बरामद कर ली। पुलिस ने लिखा पढ़ी करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार से है कि काजल सुमन और प्रशांत सिन्हा के ये 2019 से फेसबुक के मार्फत की दोस्ती हुई और दोनों के बीच पैसे का भी काफी लेन देन, और इसको लेकर जैसे प्रशांत सिन्हा डिमांड कर रहे थे कि अपना ये पैसा जिन्होंने काजल सुमन को दिया था वापस करने के लिए। काजल सुमन ने पैसे लिए थे प्रशांत से और प्रशांत के नाम पर और लोगों से भी पैसा लिया गया था। उन पैसों के द्वारा अपने मित्र के साथ रिसेंट एक रेस्टोरेंट भी जो है वो हजारीबाग में खोला हुआ था, और जब वो पैसे की बार बार डिमांड करने लगा तो उस पैसे को दिलाने के नाम पर काजल सुमन यहाँ आकर इसको लेकर अपनी एक भाड़े की कार में यहाँ से 11 तारीख की दोपहर में सोनारी से ये लोग निकले और रांची हिंदे हुए हजारीबाग पर, और वहां पर पहुंचने के बाद जिसका मित्र था उसके साथ एक कार ले गए स्कूटी में और वहां पर जाकर के इसकी हत्या कर दी गई गला दबा। हत्या करने के बाद जो है उसको घोड़े में डालकर छड़वा डैम के पास कर जा रहे थे बॉडी, जिसको प्रयास के द्वारा किया गया, लेकिन पुलिस इसमें लगातार लगी रही और पहले ये मिला भी लापता हो गई, कोई भी इसका ड्रेस नहीं मिला रहा, मतलब अनुसंधान के दौरान आपको ड्रेस दिया गया सामने लाया गया और उससे पता से पूछताछ की गई, तो इसने कंफेस किया पूरे मामले को बताया, इस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया गया के साथ में पैसों के लेन देन के कारण, और फिर बॉडी की भी रिकवरी की गई, बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया है और डीएनए के लिए भी जो है वो सैंपल सुरक्षित किया गया है, और इसमें जो प्रयुक्त हुई थी वो स्कूटी भी बरामद हुई है। साथ ही साथ जो मृतक प्रशांत कुमार सिन्हा है उनकी घड़ी और मोबाइल चार्जर वगैरह भी वो जीते हुए रौनक कुमार वर्मा है उसके पास से जब्त किया गया। ये बृहद घटना है जिसमें कि पुलिस लगातार ये और अंतर इसमें के दोनों अभी शामिल थे उनकी संभव। उधर सरायकेला जिला पुलिस को नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कुचाई थाना क्षेत्र से 15 लाख रुपए मूल्य के अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी मनीष टोपो ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को वरीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा दरभंगा रोड से अफीम जैसा नशीला पदार्थ की तस्करी किए जाने की सूचना मिली। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किए, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला संतोष मिश्रा, थाना प्रभारी यशवंत कुमार ने कांप लॉन्ग मोड़ के पास सड़क के दोनों तरफ सशस्त्र बल के सहयोग से एंटी क्राइम चेकिंग अभियान लगाया। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान करीब 1:30 बजे एक यामा कंपनी FZ मोटरसाइकिल आया, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, जिसे रोका गया लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति उतरकर भागने लगा। भाग रहे व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ने का प्रयास किया गया, वह भागने में सफल रहा एवं मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम रोहन पातर बताया, वह कुचाई का रहने वाला है एवं भागने वाला व्यक्ति का नाम दीपक मुंडा है, जो बुरांग डी कुचाई थाना का रहने वाला है।
पकड़ाए हुए व्यक्ति के पास से 3 किलो 20 ग्राम अफीम पदार्थ पाया गया। उक्त अफीम का बाजार कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है। नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलेगा। सरायकेला पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने बताया कि अफीम नशीले पदार्थ के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्राउन शुगर को लेकर भी जिला पुलिस द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है। इधर सरायकेला थाना स्थित NH पर शौच के दौरान टेलर ने मारा धक्का। कृष्णा आल्डा नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, MGM में इलाज के दौरान हुई मौत। सरायकेला थाना स्थित NH पर शौच करने गए कृष्णा आल्डा नामक व्यक्ति को टेलर ने धक्का मार दिया। इस घटना में कृष्णा आल्डा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने घायल को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हुआ कैसा हादसा? हादसा ऐसे शौच के लिए जैसे रोड पहुंचे वैसे हम लोग नहीं देखे, ध्यान नहीं दिया, हम देखे थे लेकिन हम पीछे में थे, गाड़ी गाड़ी बोले तो ऐसे ही आदमी जैसे इतना स्पीड आ रहा था ना, कम से कम होगा 80-90 स्पीड में तो था टेलर, ज़्यादा टेलर था। कितना बजे का हादसा? 6:15 आस पास का था, सुबह सुबह। मार के भाग गया? हाँ मार के भाग गया। आगे में फिर वैसे सुनने में आ रहा है कि आगे में 3 जन फिर लेट हो गया, 3 जन को और भी 3 लोग हाँ आगे चल रहा है, वो टोल ब्रिज है हमने गाँव। हाँ डेट कर गया ना? हाँ डेट कर गया। कितना उम्र होगा? वो 33-34 आसपास होगा। क्या करता था? पढ़ता है टाटा कॉलेज। और जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना पुलिस ने मोबाइल छिनतई गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्त में अपराधियों का नाम संदीप दास और अभी सिंह उर्फ यशदीप सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पोस्ट ऑफिस के समीप बुलेट सवार 2 युवकों ने मोबाइल छीनतई की है, जिसके बाद टाइगर मोबाइल और गश्ती दल की टीम ने घेराबंदी करते हुए दोनों युवकों को छीने गए मोबाइल के साथ धर दबोचा। पूछताछ के क्रम में उनके पास से 7 अन्य मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उधर जादूगोड़ा में बाइक और कार में सीधी टक्कर हुई। बाइक सवार चालक गंभीर रूप से जख्मी। जादूगोड़ा में बाइक और कार में सीधी टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार अमन कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग घायल को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाए, जहां बेहतर इलाज के लिए घायल को स्थानीय अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना कहाँ पर हुआ? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में हुआ? जादूगोड़ा थाना क्षेत्र में हुआ है ना? क्या हाईवे में हुआ है? क्या नाम तुम्हारा? मेरा संजीव। दोस्त सब तुम लोग? हाँ दोस्त, हम काम में थे, मेरे फोन आया हम गए थे। अभी कहाँ ले गए सब? अभी उन्होंने लेके गया हॉस्पिटल, लेके गया दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ प्राइवेट। वही कोवाली थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान की ओर से टीम बनाकर पुटलुंगपुंग और बड़ियाल दीपा में रात को 2 जगहों पर छापेमारी कर विभिन्न ब्रांड के 40 लीटर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान सुमन मंडल और कनु महाली को गिरफ्तार किया गया और आगे भी इस तरह छापेमारी अभियान जारी रहेगा। और लोकसभा चुनाव 2024 में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में आयोग के साथ साथ मतदाताओं की भी सजग भूमिका जरूरी है। जब तक मतदाता चुनाव के प्रलोभन देने में हथकंडों को आंख बंद करके यूं ही देखते रहेंगे, तब तक इस पर रोक लगाना संभव नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सी विजिल मोबाइल ऐप मतदाताओं के लिए बनाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि सी विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से सी विजिल ऐप डाउनलोड कर लाइव फोटो अथवा लाइव वीडियो अपलोड कर शिकायत की जा सकती है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने पर सी विजिल ऐप में अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर आम नागरिक अपने शिकायत की सतत निगरानी भी कर सकते हैं। सी विजिल ऐप पर शिकायत करने के लिए नाम व मोबाइल नंबर देने की कोई बाध्यता नहीं है, परंतु अगर शिकायतकर्ता अपना नाम व मोबाइल नंबर देते हैं तो शिकायतकर्ता ऐप के माध्यम से अपने शिकायत की निगरानी भी कर सकते हैं। अगर शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम एवं मोबाइल नंबर दिया जाता है तो यह सार्वजनिक नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बेखौफ होकर आयोग के आंख नाक कान बंद कर सजग मतदाता की भूमिका निभाएं। शिकायत को निष्पादित करने की समयावधि 100 मिनट है। आम नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज होने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपने नजदीक के उड़नदस्ता टीम को शिकायत स्थल पर भेजा जाता है। शिकायत की प्राथमिक तौर पर पुष्टि के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पोर्टल पर भेजा जाता है तथा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा शिकायत के निस्तारण के क्रम में निर्णय लिया जाता है।
उधर हाल ही में हुए कपाली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 और 13 में पीसीसी सड़क के निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधि और लोगों में रोष व्याप्त है। आज उक्त सड़कों के निर्माण में लगे संवेदकों के निम्न स्तरीय कार्य को उजागर करने के लिए चांदनी चौक के समीप स्थित कांग्रेस कार्यालय में कपाली नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सरवर आलम की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जानकारी देते हुए सरवर आलम ने बताया कि वार्ड संख्या 6 के अंतर्गत कपाली मुख्य सड़क के जाकिर पुलिया तक कुल 36 लाख की लागत से अजमल इंटरप्राइजेस के द्वारा पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया। निर्माण कार्य में संवेदक और पदाधिकारी की मिलीभगत से हुई घपले का सबूत नव निर्मित सड़क पेश कर रही है। सड़क निर्माण कार्य पूरे हुए एक सप्ताह भी नहीं बीता कि सड़क उखड़ना और दरकना शुरू हो गया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद इरफान अंसारी ने बताया कि हाल ही में हुए वार्ड संख्या 13 अंतर्गत हरि मंदिर से गुलजार होटल होते हुए झोपड़ी तक जाने वाली पीसीसी सड़क के निर्माण में भी संवेदक राज मिश्रा कंस्ट्रक्शन द्वारा खूब लूट मचाया गया। उक्त विकास कार्य में भी निम्न स्तरीय निर्माण सामग्री का प्रयोग कर तय मानक के विपरीत सड़क का निर्माण कराया गया। बताया जाता है कि इन सभी निम्न स्तरीय कार्य की जांच हेतु संबंधित संवेदकों के नाम से कई बार नगर परिषद कार्यालय में शिकायत की गई, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से जांच की कोई पहल नहीं की गई। वहीं अंत में प्रेस वार्ता में आयोजित सभी ने उक्त विकास कार्यों में धांधली की शिकायत लेकर बहुत जल्द उपायुक्त से मिलकर अवगत कराने का काम करेंगे और उच्च स्तरीय जांच हेतु आग्रह किया जाएगा। ये 4 इंच की ढलाई किया गया है, जबकि उसको जो है 7 इंच की ढलाई करना था, लेकिन वो जो है इतना अनियमितता बढ़ता है। हम बोलते हैं 19-20 हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि 7 इंच को आप 4 इंच और 3.5 इंच में कन्वर्ट कर दीजिए। इसलिए हम जो है विभागीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे संबंध के द्वारा क्षेत्र में जितने भी कार्य किया गया है सारे कार्य को उसका उचित जांच किया जाए और उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए सजा के लिए। इधर युवा समाज सेवी अभिषेक अग्रवाल उर्फ गोल्डी झारखंड प्रदेश युवा रत्न से सम्मानित हुए। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा झारखंड प्रदेश युवा रत्न के सम्मान से सम्मानित होने पर अभिषेक अग्रवाल उर्फ गोल्डी को जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान के समाज के द्वारा बहुत बहुत बधाई दी गई एवं उनके इस उपलब्धि पर पूरे जिले के मारवाड़ी समाज में काफी कई संस्थाओं में हर्ष है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं? मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी झंडा चौक साक्षी बाजार जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में, कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में, बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में, साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में, नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी 2x6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर झंडा चौक साक्षी जमशेदपुर। फोन नंबर 2438404। गोलछा साड़ी सेंटर,
गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। 65 साल से ज्यादा के मेरे एक्सपीरियंस पे तुझे कोई ट्रस्ट नहीं, और क्या चाहिए? सर्विसेज डिजिटल पॉलिसी नीड बेस। और रही बात ट्रस्ट की, अगर आपका 65 साल का है ना, तो PNB और MetLife का 265 साल से भी ज्यादा का है, और क्या चाहिए? PNB MetLife है तो और क्या चाहिए? सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है, सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। रमजान माह के पावन अवसर पर NH-33 गैरेज लाइन स्थित हंसमुख इंजीनियरिंग परिसर में अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। रमजान माह के पावन अवसर पर NH-33 गैरेज लाइन स्थित हंसमुख इंजीनियरिंग परिसर में अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ माय कंट्री इज माय फैमिली के महासचिव मोहम्मद शाबिर अपने पूरी टीम के साथ उपस्थित थे। ये 2011 से किया जा रहा है अफ्तार पार्टी, 20 रमजान को होता है हर साल। हर हिंदू मुस्लिम सब आते हैं यहाँ पर, सब होता है यहाँ पर, सबको भाईचारे के लिए ये सब अफ्तार पार्टी होता है। ये बिग बाजार का पीछे हंसमुख इंजीनियरिंग कुमरम बस्ती में है ये, और ये 2011 से हो रहा। सारे लोग एक साथ है ये। हम लोग विनय साहब है, मेरा है, हम है, ये विनय जी है, और हम है, ये साहिर भाई है, सब मिलजुल के, मुनार भाई है, अच्छा इम्ताज भाई है, लड़का लोग है, सब पूरा शहर का आदमी आता है, सब मिलजुल के यहाँ अफ्तार पार्टी होता है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने सोमवार को अपना 6वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सिंहभूम क्षेत्रीय कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीकांत कटारे एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन जमशेदपुर ब्लड सेंटर के कोऑर्डिनेटर अरिजीत सरकार के नेतृत्व में 12 सदस्यों की मेडिकल टीम ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में बैंक के स्टाफ तथा ग्राहकों ने 55 यूनिट ब्लड डोनेट किया। रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य समय समय पर रक्तदान करके कई लोगों को जिंदगी बचाने वालों को धन्यवाद देना, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना भी है। 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। बैंक में महीने भर चलने वाले स्थापना दिवस माह में ग्राहक सम्मान करना, स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, स्थानीय स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत करना आदि शामिल है। आपको बता दें, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक अपनी 446 शाखाओं के साथ झारखंड राज्य का तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है, जिसका प्रधान कार्यालय रांची में है। ये 8 क्षेत्रों में बेहतर ग्राहक सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सिंहभूम क्षेत्र 3 जिलों में विस्तृत अपनी 81 शाखाओं के साथ इस बैंक का न सिर्फ सबसे बड़ा क्षेत्र ही है, अपितु व्यवसाय के अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है।
रक्तदान शिविर के मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक तथा प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन स्टाफ तथा ग्राहकों सहित कई लोग मौजूद थे। तो जिस तरह से जीआरजी बैंक ने अपने स्थापना दिवस पर किसी भी तरह का तामझाम से कोसों दूर सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा को ही सर्वोपरि रखते हुए आज क्षेत्रीय प्रबंधक और पूरे टीम ने जो मिसाल पेश किया है, सही में जमशेदपुर ब्लड सेंटर और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन इस गर्मी में जो उन्होंने ये दोनों संस्थाओं के कंधे को मजबूती दिया है, सालों भर जीआरजी के पास जो भी जरूरत के लिए रक्त का यहाँ रिक्विजिशन आएगा, हम 24 घंटे इनके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। आज जीआरजी बैंक का 6वां फाउंडेशन डे है। जीआरजी बैंक जो है स्टेट बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक है ये, और ये इस राज्य में थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, और हम ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जनता के लिए ये बैंक है, और शहर में भी कुछ ब्रांचेस हमारी है, और हम लोग मिलकर इस झारखंड राज्य को एक समृद्ध बनाए उस दिशा पे काम कर रहे हैं। यहाँ से NRLM हमसे 8000 NRLM ग्रुप जुड़े हुए हैं, KCC में हमने 45000 KCC लोगों को दिया इस कोल्हान क्षेत्र से, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंदर में आते हैं, 81 शाखाएँ हैं सिंहभूम क्षेत्र के अंदर में, जिसमें ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला की शाखाएँ हैं। उधर मतदाता जागरूकता के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। इसी क्रम में सोमवार को चाईबासा शहरी क्षेत्र के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्काई बैलून उड़ाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने स्काई बैलून को हवा में उड़ाया। इसके बाद पदाधिकारियों और शहर के गणमान्य लोगों को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई। इस दौरान DDC संदीप कुमार मीणा, सहायक समाहर्ता श्रुति लक्ष लक्ष्मी, SDO अनिमेश रंजन और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल भी मौजूद रही। उपायुक्त ने कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरे जिले में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जमशेदपुर झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ ने लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। संघ के सभी कर्मचारियों ने यह शपथ लिया कि इस चुनाव में लोगों को मतदान देने के लिए अपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि भारी संख्या में मतदान हो सके। संघ के कर्मचारियों का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में सभी कर्मी जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र के लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी व्यक्ति नहीं हो जो अपना मतदान का प्रयोग ना करे। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को वोट के प्रति जागरूक करने से सभी लोग मतदान करेंगे और क्षेत्र में भारी संख्या में मतदान होगा, जिससे साफ सुथरा प्रत्याशी को चुनकर लाया जाएगा, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। अंत में सभी ने यह कहा कि पहले मतदान फिर जलपान के नारे को जन जन तक पहुँचाकर लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया जाएगा। इधर सामाजिक संस्था समर्पण फाउंडेशन एवं पंचायत प्रतिनिधियों के संयुक्त तत्वाधान में चैती छठ पर्व के मद्देनजर बागबेड़ा बड़ौदा घाट स्थित खरखई नदी के समीप स्वच्छता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान समर्पण संस्था की पूरी टीम एवं पंचायत प्रतिनिधि संयुक्त रूप से नदी के अंदर प्रवेश कर नदी में बह रहे सारे कचरों को निकाल कर साफ सफाई किया गया। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता जागरूकता अभियान लगातार आगे जारी रहेगा। इस अभियान के तहत स्थानीय लोगों को नदी एवं नदी के आसपास कचरा मुक्त बनाने का संदेश भी दिया गया, ताकि नदी का पानी एवं आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहे। विदित हो कि नदी किनारे कचरों का अंबार लगे रहने के कारण स्थानीय लोगों को नहाने धोने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कपड़े धोने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कचरे का अंबार लगे रहने के कारण कभी भी संक्रामक बीमारियां फैलने की भी आशंका बनी रहती है। आज समर्पण फाउंडेशन की टीम द्वारा साफ सफाई का अभियान यहाँ पे चलाया गया है, पानी को साफ करने का, क्योंकि जल ही जीवन है। इस उद्देश्य को लेते हुए हम लोगों ने आज सफाई अभियान शुरू किया है, और सफाई के दौरान हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि पानी में नहीं डालना चाहिए, जैसे कांच है, कांच की बॉटल है, चमड़े का बेल्ट है, जूता है, ये सब चीज़ों को नदी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो भी नदी है हमारे लिए गंगा समान है। तो अपने आसपास की नदियों को साफ करें, इस अभियान के साथ हम लोग समर्पण फाउंडेशन की टीम यहाँ पे आई है और साफ सफाई का अभियान आज शुरू की है। स्थानीय लोगों को और जनता लोगों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आसपास नदी को स्वच्छ बनाएं, कचरा से मुक्त रखें, ताकि किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और इतनी दूर से जो सामाजिक संस्था समर्पण की टीम जो साफ सफाई अभियान की शुभारम्भ की है, यह अभियान लगातार जारी रहेगा। फुटबॉल स्टेडियम में लोकतंत्र की गूंज, जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने हजारों लोगों को एक साथ दिलाया मतदाता शपथ। मैं भारत हूँ गीत के माध्यम से मतदान करने के लिए दर्शकों को प्रेरित किया गया। जम के वोट डालो, वोट करेगा जमशेदपुर, रही मतदाता जागरूकता की थीम।
जारी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित ISL फुटबॉल मैच के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस क्रम में फुटबॉल मैच के आयोजन के दौरान मतदाताओं को मतदान के अधिकार के प्रयोग का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा दर्शकों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने मतदाता शपथ दिलाया। कार्यक्रम के माध्यम से अपील किया गया कि सभी अपने मतदान के अधिकार का महत्व को समझे हुए आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। साथ ही योग्य युवा मतदाता जिनका नाम किसी कारणवश अब तक मतदाता सूची में नहीं दर्ज हो पाया है उन्हें फॉर्म 6 भरने, 1950 टोल फ्री नंबर, वोटर हेल्पलाइन ऐप, NVSP पोर्टल से नाम निबंधन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जमशेदपुर के सांची गोल चक्कर में मौन प्रदर्शन किया गया। वहीं आप पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष पनीता मिश्रा के नेतृत्व में सांची गोल चक्कर में मौन प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आप पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष विनीता मिश्रा ने कहा कि आप पार्टी से भाजपा पूरी तरह डर गई है। हमारे नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तरह तरह के आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया है जिससे कार्यकर्ताओं में उबाल है। वहीं आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आप पार्टी के द्वारा विशाल प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देश की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। आज हम सभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थन में हम सभी यहाँ जमशेदपुर में जिला के सभी पदाधिकारी मौन रूप से आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मोदी ने जो यह किया है ये बहुत ही गलत किया है। ये उनके घमंड को दर्शाता है, उनके गुंडागर्दी के राज को दर्शाता है कि वो डर गए हैं केजरीवाल से, उनके कामों से डर गए हैं, इतने डर गए हैं कि झूठे केस को लगा लगा कर वो अपने सारे विरोधियों को जेल के अंदर सलाखों के पीछे करते चले जा रहे हैं। पहले उन्होंने हेमंत सोरेन को किया, उसके बाद केजरीवाल को किया और भी जिन विरोधी के सामने नजर आएंगे उन सारे विरोधी को इसी तरह से धीरे धीरे जेल के अंदर करते चले जाएंगे। यही मोदी, डरपोक मोदी, जुमलेबाज मोदी, यही उसकी राजनीति है क्योंकि वह जनता की भलाई कर करके जनता की कोई काम करके नहीं जीत सकता। तो इसी तरह हथकंडे अपना कर अपने विरोधियों को दमन करते हुए अपने शासन का दुरुपयोग करते हुए वो इस तरह की राजनीति कर रहा है कि जिसके कारण विरोधी दब जाएं और डर जाएं और इस तरह से वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह के जुमलेबाज और धोखेबाज घमंडी प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द देश हटाना चाहिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केजरीवाल जी को देश के जो सलाखों के पीछे उन्होंने बंद कर रखा है बहुत ही जल्द वो बाहर आएंगे और उनकी कुर्सी को हिला करके तोड़ कर फेंकेंगे। ये पूरे देश की नहीं, हमारी नहीं, पूरे देश की जनता की आवाज़ है। यह प्रदर्शन उन्हें काफी भारी पड़ेगा। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में भी हमारे पूरे देश की जनता वहाँ एकत्रित हुई है। हम सभी यहाँ पे जिला कार्यालय के समक्ष साक्षी गोल चक्कर के पास अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक मौन रूप पर करके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी की ज्योति अग्रवाल हत्याकांड मामले में पति ही निकला मास्टरमाइंड, 3 शूटर को दी थी हत्या की सुपारी। सरायकेला जिला पुलिस ने कुचाई थाना क्षेत्र से 15 लाख रुपए मूल्य के अफीम के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सरायकेला थाना स्थित एनएच पर शौच के दौरान टेलर ने मारा धक्का, MGM में इलाज के दौरान हुई व्यक्ति की मौत। और बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी हत्या, मामले में 2 गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।